वेलकम बैक, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आ गए हम लोग साउथ बॉम्बे और आज का ब्लॉग होने वाला है गाइस हम लोग का अलीबाग के लिए। तो ये हो रहा है, हम लोग को जाना था वायर रोड, बट घाट है, घाट मझगांव डॉकयार्ड भी इधर ही है। तो जाना था हम लोग को वायर रोड गाइस, देन डिसाइड किया गया कि एम टू एम फेरी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है और काफ़ी लग्जूरियस है और वहाँ पे एम टू एम फेरी के अलावा दूसरे भी फेरीज है। तो हमने सोचा कि एम टू एम फेरीज की इतनी सारी चर्चा हो रही है तो क्यों ना जाके वो भी देखा जाए कि क्या है, ऐसा क्या रूल्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस किस के लिए जाना बेटर है। आर ओ पैक्स टर्मिनल ये यहाँ से है जो क्रूज वाला जाए, हम क्रूज वाले नहीं हैं। और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग देखो फिश के मार्केट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे आप अगर फ्रेश फिशिंग करना चाहते हो उसका रिफ्रेश फिश यहाँ से परचेस करना है तो मॉर्निंग में जो, क्योंकि ससोन डॉक यहीं आस पास में ही है। ये ससोन डॉक है ना, ये भी मछुआरा है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे और ऑलमोस्ट 2 मिनट का रास्ता है, ये फर्स्ट टाइम है हम लोग के लिए भी, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। विल सी यार गाइस कैसा रहता है। देखा तो हम लोग ने भी वीडियोस में काफ़ी कुछ देखा है कि ये बहुत ख़तरनाक है और काफ़ी लग्जूरियस क्रूज लगता है, ऐसा लग रहा है क्रूज लाइफ जी रहे हैं। होपफुली वैसा ही रहे और लाइक एक्सपेक्टेशन जो हम लोग ने किया है उस पर थोड़ा खरा उतरे, ऐसा ना हो कि वहाँ पर पहुँचे और मालूम पड़ा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वी आर रीच और ये डिवाइन का गाना रास्ते में खड्डे नहीं खड्डों में रास्ते। ठीक है, यहाँ पे पुलिस की चेकिंग भी बहुत सारी है। ठीक है, इधर देखो एम टू एम फेरी ऑटो पैक्स टर्मिनल जाए, धन्यवाद। तो ये अच्छा तक बना हुआ है सड़क सा प्लेस। तो ये हमारी बोट है आई थिंक जो सामने लगी हुई है, विल सी, ये जो रेड कलर की है ये हमारी बोट है यहाँ पे आई थिंक सो चेकिंग। हाँ अभी डालते थोड़ी देर में, रुक जा वहाँ से कुछ करना है साथ, कुछ नहीं करना, खाना पीने का सामान ले रहे हैं। अरे वो क्या कैंटीन है क्या? हाँ चाय कॉफी मिलती है। हाँ ये अपनी बोट है ये कंफर्म है। आ जाओ उधर बचकाने लोग हैं, चलो देखते चेकिंग का क्या प्रोसेस है यार, इसको पूछते बताएगा। कहाँ पे जाना है? वो बुकिंग नंबर है सिर्फ। हाँ हाँ ये लो ना, एक का ना मेल नहीं आया, एक को मेल आया था, एक का मेल आया नहीं भाई। ये लो, किसको दिखाना है भाई? अच्छा ये स्कैन करना है क्या भाई? मेरा बुकिंग आईडी है, वो आया नहीं मेरे को, मैं बताओ ना कर देंगे कर। अच्छा टेम्परेचर ले लो, जल्दी भेज दो यार बारिश आ गई। बराबर है मेरा 924? हाँ तो आगे ले ना भाई, ये पूछने वाले बात है। नहीं नहीं जा नहीं रहे, जा नहीं रहे, यहाँ पे रुक रहे। ये मेरा है ना, कितना हुआ? 3924। अरे है उनको, उनको मेल नहीं आया है इसलिए। मेरा, मेरे लड़के का और हो गया ना, बुला रही नहीं बुला रही है। बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, नहीं ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। अरे अरे जा रहा है बोट। तो यार एंट्रिंग
जाना है मैंने। अरे माँ की खीर, किधर जाना है? ऊपर भी जाना है क्या? इधर ही कैसा लगाना है ऐसा? ठीक है ठीक, एक मिनट में घुमा लेते हैं। तो गाइस यार, गाड़ी पार्क करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब भी गाड़ी पार्क करो तो गाड़ी को जो है गियर में ही पार्क करना, और एल्स बोट चलते समय इतना हिलेगी कि आपकी गाड़ी इधर उधर जा सकती है जिसकी वजह से उसको डैमेजेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ का पूरा आप ध्यान रखना उस समय पार्किंग के टाइम। तीन फ्लोर बनाए हुए हैं और ऊपर टॉप पे जाएंगे अपन, ठीक है? बड़ी बड़ी एक दो तीन, और इसके बाहर का ये है पूरा नज़ारा। तो आई थिंक सो इसमें से भी ना ये फेरीज भी, छोटी फेरीज भी जाते हैं उस साइड में, यानी अलीबाग मांडवा। तो गाइस जो फर्स्ट टाइम इस पर ट्रैवल कर रहा है उसके लिए तो एक थोड़ा लग्जीरियस लगेगा, हालांकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम करते हो तो हमें भी लग्जीरियस लगा था। तो पार्किंग के टाइम पे इसको कुछ इस तरह से मैनेज किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स को जो मुंबई से मांडवा लेके जाया जा सके। टिकट के प्राइस हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए, तो इसकी जो बुकिंग है वो आपको ऑनलाइन ही करके जानी पड़ेगी, और ऑनलाइन में भी इसके स्लॉट्स रहते हैं टाइम वो जो आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी जा सकते हो, और रेल्स आप एम टू एम फेरी के वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो इस जो है फेरी में ऑल तीन डेक है, जो सबसे लास्ट वाला डेक है वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा देखने मिलता है, और जो ये सिप है ये आप इसको बोट बोल सकते हो, ये ऑन टाइम निकलती है 850 का, तो 852 853 को ये बोट वहाँ से निकल गई थी जब हम लोग गए थे। आपको इसके अंदर जो है कुछ एमिनिटीज भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको वॉशरूम्स, रेस्टोरेंट और बार भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे वॉशरूम जो है रेस्टोरेंट के अंदर मिल जाएगा, साथ साथ में यहाँ पे अगर आप कुछ स्नैक्स करना है, ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग्स की जो शिप रहती है उस टाइम पे बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आते हैं, तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो आके। अगर ये देखो बार ऑन अपर डेक, तो अपर डेक यानी ये जो रेस्टोरेंट के बैक साइड में वहाँ पे जो है बार भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग जो है ड्रिंक्स एल्कोहल इंजॉय कर सकते हो। बट जिन लोग ट्रैवल करने वाले हैं, व्हीकल जो है चलाने वाले, अवॉइड ही करें। तो इस रेस्टोरेंट की बात करूँ तो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, हाइजीन क्लीन है, और यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट जिन लोग को अंदर रहना ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं उनके लिए बेटर है। तो एम टू एम फेरी किसके लिए बेस्ट रहेगा? तो गाइस सर, जो लोग जो है बांद्रा से ये साइड रहते हैं साउथ बम्बई साइड, उन लोगों के लिए एम टू एम फेरी बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनके लिए जो है बाउचा तक का जाना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ेगा, तो लेट इजिली पहुँच सकते हो, फिर एक घंटे में जो है अलीबाग पहुँच सकते हैं। बट अगर जो मीरा रोड भैंदर साइड रहते हैं उनको अगर बोट से जाना है तो उनके लिए ट्रैवलिंग सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर वो मीरा रोड भैंदर से बाइक से भी ट्रैवल करेंगे तो वही टाइम पे पहुँचेंगे, और बोट से भी ट्रैवल करेंगे तो भी उसी टाइम पे पहुँचेंगे, तो डिस्टेंस का कुछ फर्क नहीं रहेगा। बट ये है कि आपको ज़्यादा व्हीकल नहीं चलाना पड़ेगा, अगर उस तरह से अगर आप सोच रहे हो तो फिर आपके लिए बेस्ट है। और एल्स अगर आप ट्रैवलिंग टाइम का बात करो तो ये सिर्फ बांद्रा के ये साइड वालों के लिए ही है। बाय बाय मुंबई। ये बच्चे लोग हैं और यहाँ से हम लोग अभी देख रहे हो स्टार्ट में जब हम लोग थे ना यहाँ पे पब्लिक बहुत कम थी, हाँ भी रहते हैं, अभी जैसे चालू हो ना सब विंडो की तरफ भाग रहे गेट की तरफ। बोट ऑन टाइम हमें जो है अलीबाग पहुंचा दी है, 850 का जो बोट वहां से बोर्ड हुई थी, और यहां पे जो है 957 को पहुंचाई, यानी कुछ 3-4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। तो गेट खुल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाहुबली का गेट खुल रहा है अभी सेटअप का। तो अब यहां पे पहुंच गया, अब यहां से देखते हैं कि हम जो है आंडवा से मेन अलीबाग का बीच जो अट्रैक्शन रहते हैं वो हमें यहाँ पे से कितने डिस्टेंस पे पड़ते हैं। इधर भी है ना, एम टू एम के लिए वो भी दिया गया है फर्स्ट एड बुकिंग करके, फील्ड लिमिट 20 है, क्योंकि हम लोग चलाते ही नहीं है। 20 में कौन गाड़ी चलाता है भाई? ये है हमारी बोट जिससे अभी हम लोग आए एम टू एम फेरी। तो जाने के लिए भी कुछ यहीं से मिलेगा, अभी आगे हम लोग थोड़ा रुकेंगे अपने पंटर लोग के लिए वेट करेंगे,
फिर आगे की तरफ चलेंगे। अब यहाँ से ये लोग को रुका हुआ है, तो ये लोग रुके हुए हैं, ये लोग की वेटिंग है। क्या बोलता है कुन्नत मांडवा? तो ये मांडवा है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऋतिक रोशन और संजय दत्त कहाँ मिलेंगे, ठीक है? अभी तो दिखे नहीं है। कौन है हल्के में ले रहा है क्या? इंडियाज फर्स्ट पॉपअप डाइनिंग शॉपिंग डेस्टिनेशन, वहाँ की ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आ गए अभी, और यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा है मीन अलीबाग भी। हाँ तो देखो, तो अगर तुम जितने लोग भी इससे आते हैं, थोड़ा टाइम और ट्रैवलिंग और थोड़ा बच जाता है, बट डिस्टेंस वही पड़ जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको मांडवा जेटी उतारेंगे, फिर वहाँ से अंदर आपको अलीबाग जो भी रहेगा अट्रैक्शन के, वहाँ पे जाने में आपको 20 किलोमीटर अलीबाग बीच का डिस्टेंस पड़ता है। किम बीच भी वहाँ से 9-10 किलोमीटर है, और वहाँ से लेके नेक्स्ट 7-8 या बोल सकते 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, पेट्रोल पम्प नहीं है। तो पेट्रोल वेट्रोल जो रहेगा आप लोग वहीं से भरा के आओ यहाँ पे उसका। बरसोली बीच, अलीबाग, गुलाबपुर, तो ये सारे प्लेसेस हैं। अभी पेट्रोल पम्प हम लोग फाइंड आउट करें पहले, क्योंकि भाई का पेट्रोल खत्म है पूरा, पेट्रोल पहले भराते हैं उसके बाद से कहीं निकलते हैं। अलीबाग फुल्ली ओपन है यार गाइस, अलीबाग तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं यहाँ पे, बट कोई भी जहाँ पे भी जाओ आप वहाँ पे एटलीस्ट कोविड के नॉर्म्स फॉलो करो, क्योंकि कोविड के नॉर्म्स फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ अगर फिर से कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो फिर से सब लॉक हो जाएगा, तो फिर लॉक हो जाएगा मतलब घर में रह जाओगे आप लोग, तो कुछ मिलने वाला है नहीं, इससे जब कोविड के नॉर्म्स फॉलो करो। आते का पेट्रोल पंप है, फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करके जाना गाइस, तभी पता चलेगा कि हमें आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड गाइस अगर कोई डाउट रह गया आप लोग का, या फिर कोई क्वेश्चन है जो हम लोग ने इस वीडियो में आपका उसको कवर नहीं किया, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर से जरूर दूंगा। और अगर मनी वर्थ फॉर मनी की बात करूँ M2M फेरी की, तो गाइस यार वर्थ है, क्योंकि आपको एक घंटे में पहुँचाता है आपका पेट्रोल कॉस्ट, साथ साथ में आपका जो है टाइमिंग भी सेव करता है। बट जैसा मैंने बोला कि अगर आप बांद्रा के ए साइड रहते हो साउथ बॉम्बे के साइड, देन ही आपका टाइम सेव होगा, और एल्स नहीं। तो चलो यार वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल। वाह कौन है रे, बहुत के चिपलून खा के बाहर फेंक रहा है।